थाईलैंड के बेस्ट टू बेस्ट प्लेसेस आप सिर्फ 5 दिन में घूम सकते हैं। यकीन नहीं होता तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ ना कि कहाँ पर आप सबसे अच्छे प्लेसेस पर घूम सकते हैं, प्लस कहाँ पर स्टे कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, कैसे जा सकते हैं, कैसे टूर प्लान ले सकते हैं, मतलब सारी डिटेल मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। डे फर्स्ट हमने अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट ली और ये सुपर ऑसम सनराइज़ ने हमारा स्वागत किया। और फुकेट एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने करेंसी एक्सचेंज करवाया, हम अपने साथ डॉलर लेके आए। आप भी अपने ट्रिप में डॉलर अपने साथ ज़रूर रखें। उसके बाद हमने सिम लिया, जो कि मस्ट है, आपको लेना ही होगा, लेकिन बार्गेनिंग बहुत करनी होगी। फिर हम फुकेट से कराबी के लिए निकले, जो कि 3.5 घंटे का रास्ता है बाय रोड, और कोई मतलब अदर वे नहीं है जाने के लिए। तो सबसे पहले हम अपने फुकेट के डे फर्स्ट में कराबी कवर करने वाले हैं, और रास्ते में जाते हुए आप इस बढ़िया से व्यू का मज़ा ले सकते हैं। कराबी में हमने टीपा रिजॉर्ट में अपना स्टे किया। अच्छा, टीपा रिजॉर्ट का क्या है ना कि इसका फ्रंट साइड बिल्कुल मार्केट एरिया के अंदर है और आवनाग बीच से सिर्फ 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और इसकी जो बैक साइड है ना वो एकदम मतलब हिली व्यू है और एकदम जंगल वाली आपको फील आने वाली है, इन बिटवीन द नेचर। ये हमें 6000 फॉर वन डे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट पड़ा है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने डाली है, वो आप चेक कर सकते हैं। डे फर्स्ट में ना आपके पास रिजॉर्ट पहुंचने के बाद इतना समय नहीं बचता है, तो आप कराबी की ब्यूटीफुल मार्केट इंजॉय कर सकते हैं। ये मार्केट बहुत सुंदर है और दिल्ली नोएडा की मार्केट इसके सामने फेल है। यहाँ पर आप शॉपिंग किए बिना बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, हर चीज़ आपको इस मार्केट के अंदर मिल जाएगी, और आप इसके साथ इंजॉय कर सकते हैं ब्यूटीफुल आवनाग बीच, जो कि मार्केट के बिल्कुल सामने ही पड़ता है, और हमारा रिजॉर्ट यहाँ से सिर्फ 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इतना तो आप मार्केट इंजॉय करते हुए भी आ सकते हैं। और आवनाग बीच तो इतना सुंदर है ना कि मतलब सारा एक सीनरी की तरह बिल्कुल आपको लगता है ना। डे फर्स्ट में आप इससे ज़्यादा कर ही नहीं पाएंगे। डे फर्स्ट में फुकेट सिटीज़ घूमने का कोई मतलब नहीं बनता, आप कराबी के लिए ही प्लान करें, क्योंकि फुकेट आप जाते हुए अपने ट्रिप में रखें, वहीं से आपको फ़्लाइट लेनी होती है, तो उस दिन आप फुकेट के लिए रखें। तो कराबी का ये बहुत सुंदर सा आवनाग बीच आप फुल डे इंजॉय कर सकते हैं और इसके साथ घूम सकते हैं ये मार्केट। इसका इवनिंग में तो व्यू और भी ज़्यादा सुंदर होता है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ ना, यहाँ पे मोस्टली आपको नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिलेंगे, लेकिन लिटल गोविंदास करके एक रेस्टोरेंट है जिसमें आपको प्योर वेजिटेरियन फूड मिल जाए। कराबी की मार्केट से ही अपना डे सेकेंड के लिए ना अपना टूर पैकेज ज़रूर लें। अच्छा, ये सब मैं अपनी वीडियो में इंक्लूड कर चुकी हूँ कराबी वाली में, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आपको एक टिप देती हूँ कि अपने ना टूर में जेम्स बॉन्ड आइलैंड ज़रूर इंक्लूड करें, वरना आपको छोटी मोटी जगह पे ऐसे ही घुमा के छोड़ देंगे और पैसे भी आपका वेस्ट हो जाएगा। हमने पे किया है 3000 फॉर 2 पर्सन्स, तो आप देख लें आपको कितना बार्गेनिंग करना है। सुबह सुबह 8:30 बजे हम अपने नेक्स्ट डे के ट्रिप के लिए निकल गए हैं। यहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स दिखाती हूँ जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा वेदर वी शुड इंक्लूड दिस इन आवर पैकेज और नॉट। फर्स्ट है पैंगनांग बे, बहुत अमेजिंग है, आपको पहाड़ समुद्र जंगल इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा ना, मतलब एक जो होता है ना बिल्कुल अनटच एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको तो मस्ट टू इंक्लूड है, ये ज़रूर इंक्लूड करें। इसका नाम पैंगनांग बे है। सेकंड है जेम्स बॉन्ड आइलैंड। जेम्स बॉन्ड की मूवी द मैन विद गोल्डन गन के बाद ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर, ग्रीन वाटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और मतलब बहुत खूबसूरत जगह है। नेक्स्ट हमने अपने टूर पैकेज में इंक्लूड किया फ्लोटिंग विलेज। मतलब आप सोच के देखें, एक पूरा का पूरा गांव समुद्र के अंदर तैर रहा है और 24/7 लोग यहां पर रह रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इवनिंग के टाइम पे कहीं और जाके रहते हैं, नहीं, वो यहीं पर परमानेंट रहते हैं, तो ये बहुत अमेजिंग है। इसको भी आप अपने टूर पैकेज में ज़रूर इंक्लूड करें। नेक्स्ट है मंकी केव्स। लेटे हुए बुद्धा यहाँ पर हैं, और सच बताऊँ यहाँ पर आने के बाद है ना आप बहुत अद्भुत सी शांति महसूस करने वाले हैं। तो थाईलैंड आए तो इसे ज़रूर अपने पैकेज में इंक्लूड करें।
नेक्स्ट है थापू वाटरफॉल, बहुत नेचुरल, बहुत सुंदर है। इवन आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर ठहरे हैं तो एक कंप्लीट डे के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा, डे थ्री के लिए ना हमने फीफी आइलैंड का प्लान किया। फीफी आइलैंड है ना, बहुत सारे ऐसे ही घूम के आ जाते हैं, पर मैं कहती हूँ कि आप अपना वन डे कंप्लीट लेके चलें। फीफी आइलैंड आप सिर्फ क्रूज से ही जा सकते हैं या फिर स्पीड बोट से, क्योंकि ये ना बिल्कुल समुद्र के एकदम बीच में है, यहाँ पर आने का और कोई ऑप्शन नहीं होता है। अच्छा, इसके लिए जो हमने पे किया ना वो 900 फॉर टू पर्सन्स पे किया। सभी चीज़ों की अमाउंट मैं साथ के साथ इसलिए बताती जा रही हूँ ना क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी होगी, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई बोलते हैं, तो एटलीस्ट मैं प्राइस बताती जाऊँगी ना तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। थाईलैंड ट्रिप पे ना बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि वो फीफी ना कुछ घंटों के लिए घूमने के लिए आते हैं, जबकि फीफी इतनी खूबसूरत जगह है ना, यहाँ पर आपको वन डे तो कंप्लीट स्पेंड करना चाहिए। अच्छा, जो वन टू टू आवर्स के लिए घूमने के लिए आते हैं ना, वो सिंपली ये मार्केट एरिया और इसके पीछे जो बीच साइड एरिया है वो घूम के चले जाते हैं, जबकि यहाँ पर एक दिन का स्टे ज़रूर करें। हमने जो स्टे किया ना वो यहाँ से भी हम बोट से गए और एक बिल्कुल कंप्लीट, ये पूरे आइलैंड पे सिर्फ एक रिजॉर्ट है, मतलब यहाँ पर बीच ही आपका नहीं होता, कंप्लीट आइलैंड आपका होता है। ये फीफी रिलैक्स रिजॉर्ट है और बहुत ऑसम मेरा यहाँ पे स्टे रहा, तो आप ये भी एज ए ऑप्शन देख सकते हैं या फिर फीफी में कोई भी रिजॉर्ट आप बुक कर सकते हैं। इसकी भी मैंने एक कम्प्लीट वीडियो बनाई है, वो आप चेक कर सकते हैं वेदर टू बुक दिस और नॉट। ये हमें पड़ा 6000 फॉर टू पर्सन्स। अच्छा, प्राइस है ना हमेशा वेरी करते हैं, किस सीज़न में आप जा रहे हैं, कैसे, मतलब उस टाइम पे कितनी बुकिंग्स हैं, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन ये इतना सुपर ऑसम है ना, यू विल पे एनीथिंग फॉर दिस। मतलब एक दिन आप यहाँ पे कम्प्लीट स्पेंड करेंगे ना तो भी आपको कम लगेगा, इतना सुंदर इसका व्यू होता है ना, और मतलब सनराइज़ तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर दैट। और ये सीनरी जैसा व्यू आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, ये इतना अनटच एरिया है ना कि यहाँ पर आप चलते हुए शंख, घेंगे और पता नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। कंप्लीट आइलैंड है जिस पे सिर्फ आप होते हैं, इससे ऑसम क्या हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट डे डे फोर वी पैक आवर बैग टू फुकेट, और फुकेट के लिए हमने स्पीड बोट लिया। अच्छा, सभी जगह पे ना हमने अलग अलग राइड ली, स्मॉल बोट, लॉन्ग टेल बोट और क्रूज स्पीड बोट, मतलब सभी हमने कोशिश किया ना कि हम अलग अलग राइड्स यहाँ पे ले सकें। स्पीड बोट के लिए 400 फॉर टू पर्सन्स हमने पे किया। फुकेट के अंदर हम होटल क्रेस्ट में रुके। क्रेस्ट होटल नो डाउट सभी जगह पे बहुत सुंदर होता है, लेकिन फुकेट के क्रेस्ट होटल की खूबसूरती का एक वो बताती हूँ, यहाँ पर है ना स्विमिंग पूल आपके रूम तक आता है, तो आप अपने रूम से ही पूल में जंप कर सकते हैं और व्यू तो ब्रेथ टेकिंग होता है यहाँ से, तो आप ये इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सिटी से ये दूर है तो यहाँ पर आप अपनी रेंट पर स्कूटी ले कर आराम से घूम सकते हैं। और सेम डे में फुकेट सिटी के अंदर आके आप पटोंग बीच भी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यू कैन टेक ए बाथ हेयर और यहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं, तो मतलब आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। इंडियन फूड मिस कर रहे हैं तो फुकेट सिटी के अंदर आपको ये अमृतसरी रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, बढ़िया एकदम पंजाबी फूड आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। अमृतसरी कुलचा और ये कढ़ाई पनीर खा के मेरी तो एकदम आत्मा प्रसन्न हो गई यहाँ पर। और इवनिंग में फुकेट सिटी के अंदर आप बंगला स्ट्रीट तो बिल्कुल भी मिस ना करें, बंगला स्ट्रीट बहुत ज़्यादा फेमस है और ये फेमस है यहाँ पर मसाज पार्लर्स और बार्स के लिए काफ़ी ज़्यादा, और वैसे मार्केट एरिया है तो बहुत सारी शॉप्स और भी आपको मिल जाएंगी। और यहीं से आप नेक्स्ट डे के लिए फुकेट सिटी टूर प्लान भी ले सकते हैं, बहुत सारी शॉप्स उसके लिए भी हैं, अगेन आपको बार्गेनिंग करनी होगी। हमने जो फुकेट सिटी टूर प्लान के लिए दिया ना वो 1400 फॉर टू पर्सन्स दिया। फुकेट सिटी टूर प्लान के अंदर अपना ओल्ड सिटी का टूर प्लान इंक्लूड करना ना भूलें, यहाँ पर आपको पुर्तगाली प्लस चाइनीज़ कल्चर देखने को मिलेगा। है फुकेट का ओल्ड टाउन लेकिन पुर्तगाली कल्चर की बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये सब मैंने एक वीडियो में इंक्लूड किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। कैश्यू फैक्ट्री आप विज़िट कर सकते हैं,
कैशू फैक्ट्री में आप यहाँ से कैशू खरीद भी सकते हैं। मोर देन 500 टाइप के काजू आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। काजू ट्री आप देख सकते हैं कि पेड़ पे किस तरह से काजू लगते हैं। इसके बाद बिग बी फार्म आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब आपको घर के लिए एकदम ओरिजिनल 100% वाला शहद चाहिए तो वो ले सकते हैं, और प्लस आप देख सकते हैं कि शहद किस तरीके से बनता है। प्लस आप फार्म इंजॉय कर सकते हैं, और शहद के पुराने से पुराने इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स हैं और फार्म तो नो डाउट बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। अच्छा, अपने ट्रिप में ना यहाँ का चिलोंग टेम्पल इंक्लूड करना बिल्कुल ना भूलें। चिलोंग टेम्पल किस लिए फेमस है ना कि यहाँ पर बुद्धा के अवशेष रखे गए हैं। हाँ जी, बुद्धा के अवशेष इस ग्लास के अंदर रखे गए हैं, और वैसे भी ये बहुत खूबसूरत हैं। थाई कल्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और बिल्डिंग भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आप एलिफेंट के साथ फ़ोटो क्लिक करवाना बिल्कुल ना भूलें। ये चीज़ आप बहुत इंजॉय करेंगे, इसको भी अपने टूर प्लान में ज़रूर इंक्लूड करें। बिग बुद्धा तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं, इसको भी अपने प्लान में ज़रूर इंक्लूड करें। थाईलैंड के रिगार्डिंग मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, थाईलैंड ट्रैवल व्लॉग करके मेरी प्लेलिस्ट है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद आपकी कोई भी क्वेरी नहीं बचेगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है ना तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिजॉल्व। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।